नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट लाइन न्यूज। महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार गुट के नेता और मंत्री छगन भुजबल को लेकर सियासी हलचल और अटकली का दौर जारी है। बीते कुछ दिनों से यह चर्चा है कि भुजबल अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी का दामन छोड़ सकते हैं। हालांकि सबसे अधिक संभावना उनके शिवसेना में शामिल होने की है। वहीं भुजबल के 3 दशक पहले अविभाजित शिवसेना उन्होंने छोड़ दी थी। अब इस पर उद्धव गुट की तरफ से पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। शिवसेना यानी UBT के जो नेता है संजय राउत ने कहा कि हमारी पार्टी से किसी भी छगन भुजबल से मुलाकात नहीं किए और कोई चर्चा नहीं हुई और UBT में शामिल होने के लिए कोई होगी भी नहीं। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर बात करें तो पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार छगन भुजबल कई विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, उनमें से अपनी खुद की पार्टी बनाना है उनका विचार है। और वहीं हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार अगर बात करा जाए तो OBC नेता के करीबी लोगों ने बताया है कि नासिक से लोकसभा सीट ना मिलने से वह नाखुश है, लेकिन अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को उनके ऊपर राज्यसभा सीट दिए जाने से वह आहत भी है। हालांकि अब महज 10 दिन पहले ही लोकसभा चुनाव हार गई थी BJP, उसके बाद भुजबल की नाखुशी कहीं ना कहीं सोमवार को समता परिषद में देखने को मिली। ऐसे में समता परिषद में सामाजिक संगठन है जिसमें वो प्रमुख हैं और इस बैठक में संगठन में केवल 50 पदाधिकारियों में से अधिकांश ने पार्टी के अपने नेता को कमतर तहजीब की और जिसके बाद नाराजगी भी जताई और उनसे आगे का रास्ता बताने की भी मांग की। अब इस तरीके की बातें निकल कर आना कहीं ना कहीं अब एकनाथ शिंदे और शिवसेना की भी मुसीबतें बढ़ाता हुआ नजर आएगा। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद अगर बात करें तो कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उन्हीं राज्यों में से एक है महाराष्ट्र। और राज्य में BJP वाले गठबंधन ने विरोधियों को झटका देकर सरकार बना ली थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद महाविकास अघाड़ी का जो जोश है वो हाई हो गया। वहीं 48 में से 23 सीटों पर महाविकास अघाड़ी ने जीत हासिल की, लेकिन चुनाव एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी 150 सीटें जीत सकती है। वहीं न्यूज रिपोर्ट्स की माने तो लोकसभा चुनाव के नतीजों ने यह बता दिया है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस ताकतवर बनी है। गठबंधन के 23 लोग सांसद चुनकर सामने आए हैं और 2024 का रिजल्ट भाजपा का पिछले 10 सालों के मुकाबले सबसे खराब रहा है, क्योंकि 28 में से मात्र 9 सीटें भाजपा ने जीती। और चुनावी एक्सपर्ट का कहना है कि महाराष्ट्र में मोदी अमित शाह BJP का लोकल लीडर का कोई करिश्मा नहीं चला और यही कारण है कि भाजपा में हड़कंप मचा हुआ है। और चुनावी आंकड़ों और डाटा को देखते हुए लगता है कि आने वाले महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में महाविकास गाड़ी की जो गाड़ी है वह 150 सीटें जीत सकती है और NDA को अन्य दलों को 130 सीटें आ सकती हैं। वह NDA के लिए भारी टास्क है क्योंकि उनके लिए महाराष्ट्र में अभी भी जीत का जो माहौल है वो खराब है। किसने की समस्या, मराठा रिजर्वेशन या कई अहम बातें हैं जो भाजपा की लीडरशिप में क्राइसिस देखने को मिल रही है। यहां का लीडर कौन रहेगा, महाराष्ट्र इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में महाविकास अघाड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव में शिवसेना यानी NCP शरद पवार गुट और कांग्रेस एकजुट होकर लड़ाई लड़ने वाली है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है कि यहां से बड़ा झटका देखने को मिले। और यहीं पर अगर ये पूरा मामला अगर साइडलाइन कर दिया जाए तो इस बार जो गठबंधन में सरकार बनी है, मोदी की सरकार बनी है, केंद्र में सरकार बनी है, ऐसे में एकनाथ शिंदे ने कहीं ना कहीं मोदी को सपोर्ट तो किया और बिना किसी भी मांग के उनको समर्थन भी दिया, लेकिन अब वही समर्थन उनको भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। उन्हीं के पार्टी के तमाम सांसद अब इस पर आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि अब बिहार की अगर बात कर लिया जाए तो वहां पर छोटे छोटे नेताओं को इतने बड़े बड़े पद दे दिए गए और हमारी पार्टी 7 सीटें जीत कर लेकर आती, हमें एक भी पद नहीं मिला। वहीं अजीत पवार की भी नाराजगी देखने को मिली कि हमें भी इस बार कोई पद क्यों नहीं मिला और वो भी कैबिनेट में पद की मांग करते हुए नजर आए। आपको बता दें दरअसल चिराग पासवान 5 सीटें जीतते हैं, जीतन राम मांझी 1 सीटें जीतते हैं और वहीं पर मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल 1 सीट जीत हैं, लेकिन इनको कैबिनेट में जगह मिलती है। अनुप्रिया पटेल को राज्य प्रभार मंत्री बनाया जाता है और वहीं जीतन राम मांझी को भी कैबिनेट में जगह मिली, चिराग पासवान को। तो ऐसे में प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल ने भी आवाज उठाई थी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ गलत किया है, हमें कोई भी मंत्री पद नहीं दिया जबकि हमारी पार्टी ने 7 सीटें जीती और अजीत पवार की पार्टी ने 1 सीटें जीती, तो ऐसे में हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार क्यों। लेकिन एकनाथ शिंदे
और उनके बेटे ये साफ तौर पर इनकार करते हुए नजर आए मीडिया के सामने। उन्होंने बोला, साफ तौर पर ये बात कही कि उनको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने खुले मन से मोदी का समर्थन किया है, वो नहीं चाहते किसी भी पद की मांग उन्होंने नहीं की। आने वाले विधानसभा चुनाव में वो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो आप इस तरीके की जो बातें निकल कर आ रही हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई जरूर दिखाई दी, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने में जिस तरीके से ये उथल पुथल मचा हुआ है, उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं अब शिवसेना में, असली शिवसेना जो है, जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, उसमें कहीं ना कहीं सेंधमारी करने का पूरा प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो इस विधानसभा चुनाव में जो महाराष्ट्र की राजनीति है उसमें बड़ा उथल पुथल देखने को मिलेगा। और वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जो इस बार का वहां पर छवि रही है उनकी, वो भी खराब होती हुई दिखाई दी है। ऐसे में अब इस वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर जीत दर्ज कर पाएगी, या एकनाथ शिंदे क्या उनको विधानसभा चुनाव में समर्थन देंगे, या देवेंद्र फडणवीस किस तरीके के खेला करते हुए नजर आएंगे, ये तमाम सवाल खड़े होते हैं जनता के मन में भी और जो वोट देने वाला वोटर है उसके मन में भी है। वैसे में पूरा प्रयास है इंडिया गठबंधन का, राहुल गांधी का, कि वो लगातार कहीं ना कहीं अब सेंधमारी करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। बीच में ये भी खबरें आ रही थी कि हो सकता है एकनाथ शिंदे शरद पवार से मीटिंग करें, और शरद पवार से अगर मीटिंग करते हैं तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी से एकनाथ शिंदे अपना समर्थन वापस लेते हुए भी नजर आए। लेकिन ऐसी बातें इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे में जिस तरीके से होड़ है, जिस तरीके से दोनों पार्टियां अपनी ही पार्टी का वर्चस्व बचाने के लिए लड़ती हुई नजर आई थी, तो ऐसे में ये सारी अटकलें खारिज हो गई। लेकिन मोदी के समर्थन शपथ लेने के बाद कहीं ना कहीं फिर से इस बार राजनीतिक गलियारे में हलचल मचती हुई नजर आई। माना यही जा रहा है कि अब पार्टी में कहीं ना कहीं टूट हो सकती है। अगर ये टूट होती है तो जाहिर तौर पर इंडिया गठबंधन को इसका फायदा मिलेगा, उद्धव ठाकरे को इसका पूरा फायदा मिलेगा, और यही प्लान कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे और इंडिया गठबंधन का है। अब ऐसे में देखना होगा कि जो नेता टूट करके जाते हैं तो क्या अब राहुल गांधी उनको किस तरीके से ऑफर देते हुए नजर आएंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना समर्थन वापस लेंगे या गठबंधन तोड़ेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। और ऐसे में इस बार विधानसभा चुनाव जो है, ऐसे में अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटें की मांग करती है और एकनाथ शिंदे के साथ अगर ऐसा कुछ समझौता नहीं हुआ, उन्होंने बिना ही पद के लालच के उन्होंने केंद्र में बीजेपी को समर्थन दिया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर इनसे एकनाथ शिंदे से समझौता करना पड़ सकता है। तो ऐसे में ये जो पूरा मामला है कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका पूरा फायदा इंडिया गठबंधन शरद पवार की पार्टी को हो सकता है। वहीं शरद पवार लगातार अब अपने भतीजे को साधने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जब से उनकी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के साथ देखने को मिली, तब से कहीं ना कहीं वो इस बार ये वोट बैंक हो, चाहे अपने उनके गुट के नेता हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे अजीत पवार हो, एक दूसरे के साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं संजय राउत लगातार जिस तरीके से अपनी बयानबाजियों से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को घेरते रहते हैं, उसका भी ज्यादा प्रभाव जनता के ऊपर आता हुआ दिखाई दिया है। और भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कौन सी कमजोरी रही है इस बार के लोकसभा चुनाव में कि हर जगह पर उसको, कुछ जगह पर तो वो पूर्णांक में से पूर्णांक अपनी सीटें लेकर आती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर उसको करारा झटका देखने को मिला। खासकर ऐसे बड़े राज्य हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी सेट नहीं हो पा रही है, जिसमें से खासकर उत्तर प्रदेश की बात कर लिया जाए, महाराष्ट्र की बात लिया जाए, और वहीं पर हरियाणा की बात कर लिया जाए, भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है कहीं ना कहीं डमाडोल दिखाई दे रही है। ऐसे में ये जो पूरा जो मामला है अब भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाता है, या अखिलेश यादव किस तरीके से राहुल गांधी को स्ट्रेटजी बताते हुए नजर आते हैं, क्योंकि इस बार के चुनाव में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का दबदबा रहा है, वहीं राहुल गांधी उनके ही बताए हुए चीजों पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में किस तरीके से स्ट्रेटजी होगी आने वाले विधानसभा चुनाव में, गठबंधन में सरकार किसकी बनेगी, फिर से क्या भारतीय जनता पार्टी कमबैक करती हुई नजर आएगी, अपने मैनिफेस्टो को सुधारेगी, या तमाम तरीके के जो आरोप लगते हुए नजर आए हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि शिक्षा, बेरोजगारी और अन्य तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर किसानों को इग्नोर करना, जिस पर कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी ने काम करना चालू कर दिया है। आपको बता दें मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने अब जिस तरीके से 20,000 करोड़ का ऐलान कर दिया। मोदी आज बिहार में गए और वहां पर वो किसानों को अलग अलग
अलग स्कीमें बता रहे थे, उनको पूरा अपने ओर आकर्षित करने का पूरा स्कीम दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव की जो होड़ है वो लगती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन अब तक स्थिर पड़ा हुआ था, लेकिन चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर अब यूपी हो, जिसमें वो अपने वोटर्स को साधने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लगातार अपना दमखम दिखाई दे रहे हैं। और दिल्ली में 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में महाराष्ट्र में भी जल्द से जल्द चुनाव हो जाएगा। तो ऐसे में राहुल गांधी किस तरीके से ये हथकंडा अपनाएंगे, किस तरीके से अपनी ये सारी रणनीति है जो महाराष्ट्र में दिखाते हुए नजर आएंगे, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। वहीं उद्धव ठाकरे का जो दबदबा था पहले, वो आज भी कहीं ना कहीं कई सीटों पर कायम है। ऐसे में कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर उनको मेहनत करने की जरूरत है। अगर वो मेहनत इस बार उद्धव ठाकरे की देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर इसका जो नुकसान होगा एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिल सकता है, और उनका कोर वोट बैंक कहीं ना कहीं उनके खाते में जाता हुआ दिखाई देगा। वैसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी इस बार इस लोकसभा चुनाव में, महाराष्ट्र के लोकसभा माफ करिएगा विधानसभा चुनाव में किस तरीके की स्ट्रेटजी अपनाते हुए नजर आते हैं, किस तरीके का खेला करते हुए नजर आते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन शरद पवार ने तैयारी अभी से चालू कर दी है, उद्धव ठाकरे ने तैयारी अभी से चालू कर दी है। तो ऐसे में ये पूरा जो मामला है कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी के फेवर में ना जाकर अब इंडिया गठबंधन के खेमे में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं एकनाथ शिंदे को लेकर और भारतीय जनता पार्टी को लेकर जिस तरीके से पार्टी में ही सुबह गुगाहट देखने को मिल रही है, माना ही जा रहा है कि इन लोगों का जो गठबंधन है वो विधानसभा चुनाव में हो सकता है देखने को ना मिले। अगर ऐसा कुछ होता है तो जाहिर तौर पर इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की तरह उठाना पड़ सकता है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।